जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से एम विद रोहित चौहान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज सुपर टेट जूनियर में जड़ी बूटी वाली क्लास है, तो फटाफट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन रखें। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले है, नाश्ते में हमें क्या लेना चाहिए? अंकुरित चना व मूंग आदि लेना चाहिए। फ्रेंड्स, परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखेंगे। किशोर अवस्था में बालिकाओं को अधिक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, लौह तत्व की होती है। फल व हरी सब्जियों में पोषक तत्व होते हैं विटामिन व खनिज लवण। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या होता है? दैनिक कार्यों के लिए शरीर में ऊर्जा प्रदान करना। अगला फ्रेंड्स है, जिस भोजन में समस्त पोषक उचित मात्रा में विद्यमान रहता है और जो शरीर में समस्त आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, उसे फ्रेंड्स कहते हैं संतुलित आहार। अगला फ्रेंड्स है, भोजन पकाने की विधियां कैसी होती हैं? उबालकर, भाप के द्वारा, घी व तेल के द्वारा, भुनना या सेकना। अगला फ्रेंड्स है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस, याद रखिएगा फ्रेंड्स, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। अगला फ्रेंड्स है, देश का पहला स्वच्छता प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा बना है? फ्रेंड्स, सिक्किम बना है। देश का पहला कृषि, जैविक कृषि अपनाने वाला राज्य सिक्किम बना है। फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तंबाकू की आदत, तंबाकू में उपस्थित फ्रेंड्स क्या होती है? निकोटीन होती है, निकोटीन के कारण आदत लग जाती है। और कैफीन जो कॉफ़ी में पाया जाता है, जो कि एक एल्कलाइट है, ठीक है, और जो मनोस्फूर्तिदायक वो मस्तिष्क को प्रभावित करता है कैफीन। याद रखना प्रश्न बनता है कि मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली उत्तेजक औषधि क्या है? आपका आंसर होगा कॉफ़ी। कैफीन किस में पाया जाता है? कॉफ़ी में पाया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स है, विश्व हाथ धुलाई दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला फ्रेंड्स है, जैम स्क्वैश संदूषित बचाने के लिए, मतलब ख़राब और बचाने के लिए क्या हम यूज़ करते हैं? सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम मेटा बाइसल्फाइट यूज़ करते हैं। अगला फ्रेंड्स है, आम, आंवला, इमली को परीक्षण करने के लिए, ठीक है, परीक्षण करने के लिए हम नमक का यूज़ करते हैं, मतलब कि इसे ये चीज़ ख़राब नहीं होती अगर हम नमक का यूज़ करते हैं। अचार को संदूषण बचाने के लिए उसको हम तेल व सिरके का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स है, पशुकरण क्या होता है? पशुकरण 62 डिग्री में 30 मिनट के लिए या 71 डिग्री सेल्सियस 15 सेकंड के लिए उसको हम करते हैं गरम। नेक्स्ट फ्रेंड्स है, सॉस चटनी परीक्षक कार्य करती है एसिटिक अम्ल का। नेक्स्ट फ्रेंड्स है, किस विधि में खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए धूप में अनाज, दालें, पापड़, बड़े चिप्स, सेवइयाँ, आंवला, गोभी, मेथी, आम को सुखाया जाता है? निचलीकरण, इसमें क्या है, जल को वो उसको डिहाइड हो जाता है, ठीक है, उससे वो चीज़ को ख़राब नहीं होती, इसलिए इसको हम धूप में रखते हैं। अगला फ्रेंड्स है, साइट्रिक अम्ल सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, एसिटिक एसिड, है ना, जैम जेली जूस को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। अनेक भोज पदार्थ जैसे मटर, अनानास प्राकृतिक रूप से में डब्बा उसको क्या है, संरक्षित किया जाता है, ठीक है, इसमें वायुरुद्ध मतलब कि वायु को रोक लिया जाता है और इससे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, भोज पदार्थ होते हैं, सुरक्षित बने रहते हैं। अगला फ्रेंड्स है, प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाले रोग कौन से होते हैं? फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले है मलेरिया, पायरिया, कालाजार, पैंचिस, निद्रा। मलेरिया परजीवी है, रोनाल्ड रोड ने खोज की है। डेंगू रोग एडिस मच्छर काटने से होता है। मलेरिया रोग फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपरों में कई बार पूछा जाता है, मादा एनोफिलीज मच्छर। मलेरिया रोग उपचार के लिए कुनैन से प्राप्त, कहाँ से, सिंकोना से प्राप्त की जाती है कुनैन। काला आजार किस परजीवी के कारण होता है? फ्रेंड्स आंसर होगा लीशमानिया। एचआईवी ये एलिसा टेस्ट के द्वारा किया जाता है।
ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकनगुनिया का रोग कौन सा होता है? एंडीज इजिप्ट मंद मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन की कमी से एनीमिया होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, डीपीटी इन बीमारियों में यूज़ की जाती है, डिप्थीरिया काली खांसी और टिटनेस। अगला फ्रेंड्स है बीसीजी, बीसीजी का टीका लगाया जाता है छह व टीबी रोग के लिए। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई है 23 अक्टूबर 2014, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगला फ्रेंड्स है, स्वच्छता के दो रूप होते हैं, व्यक्तिगत होता है और एक होता है सार्वजनिक। अगला फ्रेंड्स है, व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या आता है? प्रतिदिन स्नान करना, नियमित रूप से नाखून है ना, बाल काटना, भोजन से पहले वो भोजन के बाद हाथ धोना, शौचालय के बाद हाथ धोना, इसे कहते हैं व्यक्तिगत। सार्वजनिक मतलब होता है आसपास की सफाई, गलियों व सड़कों की सफाई, नदियों तालाब जलाशयों की साफ सफाई, पार्कों विद्यालयों की वृक्षारोपण करना, इसे फ्रेंड्स कहते हैं सार्वजनिक। नेक्स्ट फ्रेंड्स है मोनोसेक्राइड, इसे ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है, C6H12O6 फ्रक्टोज। डाइसेक्राइड जिसे सुक्रोज कहते हैं, इसे चीनी कहते हैं, C12H22O11 मेल्टोज। पॉलीसेक्राइड फ्रेंड्स स्टार्च व मड कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं मक्का चावल गेहूं गन्ना आलू शकरकंद दूध। फ्रेंड्स ये कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं। दूध में शक्करा पाया जाता है लैक्टोज। नेक्स्ट फ्रेंड्स है, सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है मक्का में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है सेलुलोज में। प्रोटीन का मुख्य स्रोत है सोयाबीन दाल मछली मटर अंडा सेम पनीर व आदि। नेक्स्ट फ्रेंड्स है, सार्वजनिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन में पाई जाती है। फ्रेंड्स परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? फ्रेंड्स क्वासिकोर होता है और मैरमस भी होता है, याद रखना। जल में घुलनशील फ्रेंड्स होता है विटामिन बी और विटामिन सी। वसा में घुलनशील होता है विटामिन ए ई और के, ए डी ई और के। विटामिन ए की कमी से होता है फ्रेंड्स रतौंधी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला फ्रेंड्स है विटामिन बी वन की कमी से होता है बेरी बेरी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी। और विटामिन डी और के से होता है मानव शरीर में संश्लेषण होता है मानव शरीर में। नेक्स्ट फ्रेंड्स है दूध से दही बनता है किण्वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। समुद्री शैवाल समुद्री खरपतवार मुख्य स्रोत है आयोडीन। चावल को पॉलिश करने में कौन से विटामिन नष्ट हो जाती है? फ्रेंड्स विटामिन बी वन थायमीन। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो कैसी बनी है नीचे कमेंट सेक्शन में फ्री है, आप फटाफट कमेंट करिएगा और बताइएगा हमारी वीडियो कैसी बनी है, आज का सेशन आपको कैसा लगा है। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत वंदे मातरम दोस्तों।